चिंतन चिंतन एक परिवार में बहन भाई आपस में लड़ते रहते थे। माता पिता परेशान थे, कैसे बच्चों को समझाएं। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा शुरू होता था। तभी उनके पिताजी एक दिन घर में नई झाड़ू लेकर आए। कहा, ये घर का कूड़ा करकट बाहर निकालने के लिए हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। बच्चों को सिखाया, घर में साफ सफाई बहुत आवश्यक है और उसके लिए झाड़ू जरूरी है। लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर से खेल के शाम को घर वापस लौटे तो देखा कि झाड़ू का तिनका तिनका बिखरा हुआ है। बच्चों ने पूछा, ये क्या हुआ? पिता ने समझाया, अरे बेटा, कूड़ा साफ करने वाली ये झाड़ू टूट गई, इसके तिनके बिखर गए। देखो, ये तिनके एकजुट थे तो ये झाड़ू कूड़ा साफ करने वाली थी, और तिनके बिखर गए तो अब ये खुद अपने आप में एक कूड़ा है। अब ये तिनके चुनिए और इन्हें बाहर फेंकिए। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था पिता क्या कहना चाहते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं बेटा, तिनके एकजुट होते हैं तो अपने आप में एक ताकत है जो किसी भी बुराई को बाहर निकाल सकते हैं, कूड़ा साफ कर सकते हैं, स्वच्छता ला सकते हैं। लेकिन जब ये तिनके बिखर जाते हैं तो खुद कूड़ा बन जाते हैं। परिवार हो, समाज हो या देश, एकजुट रहता है तो शक्तिशाली बनता है, कार्य में सफलता प्राप्त करता है। और अगर वो टूट कर बिखर जाता है तो बेकार हो जाता है। बोलो, झाड़ू बनोगे या तिनकों में बिखर कर कूड़ा? बच्चों की समझ में आ गया था। हम मिलजुल कर रहेंगे, भाई बहन हैं, परिवार हैं हम, समाज हैं हम, राष्ट्र हैं हम।